भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लक्सर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदास शर्मा का संगठन से जुड़े किसानों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने अजय वर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेसवार्ता की। आरोप लगाया कि वित्त मंत्री प्रेमचंद द्वारा मारपीट मामले में मंत्री की बर्खास्तगी हो। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदास शर्मा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था, वह नारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। आज काफी समय से देश का गौरव महिला पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून बने अध्यक्ष ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी एमएसपी कानून बनाने की मांग उठाई थी, लेकिन आज देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहा है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसका जवाब देश का किसान अपनी वोट से चोट से देगा। वहीं यूनियन के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अजय वर्मा और अरुण शर्मा ने कहा किसानों को टोपी पहनाकर तोप पहनाया है, कहा कि अब किसानों के बच्चे पढ़ लिख लिए, अब किसान उनके बच्चे इजराइल की तर्ज पर खेती करेंगे, जो खेती अब से 20 वर्ष पूर्व की जाती थी उसी तरह की खेती अपने बच्चे को सिखाएंगे। जिस प्रकार से किसान हमारा सिस्टम के असुरक्षापूर्ण रवैये या अव्यवहारिक रवैये के कारण परेशान रहता है, तो हमारी योजना किसान संगठन से जुड़ने के बाद यही बनी कि अपना क्षेत्र का जो किसान है जिसकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं शासन से भी रहती हैं और शुगर मिल से भी रहती हैं या अन्य सरकारी तंत्र से रहती है, तो उनके लिए प्रत्येक प्रकार से एक समायोजित व्यवहार बनवाना, और अगर सरकार समझाने बुझाने से और सिस्टम समझाने बुझाने से सही काम नहीं करता तो उसके लिए किसी भी संघर्ष के लिए हम जाएंगे और किसान का हित सर्वोपरि रखेंगे। कि हमारे पास ऐसे किसान सिपाही आए जो एक और एक ग्यारह नहीं 1,11,000 करेंगे, हमने इन्हें ताकत दी और टोपी पहना के इन्हें तोप पहनाई। ये जो टोपी है किसान यूनियन की, ये तोप है। दूसरी बात, किसानों की योजनाएं के लिए गरीब मजदूर किसान व्यापारी सब के लिए नई योजनाएं, किसान के बच्चे पढ़ लिख लिए, अब हम पारंपरिक खेती को छोड़ के इजराइल की तर्ज पर खेती करेंगे, जैसे आज से 1,000 वर्ष पूर्व भी 2,000 वर्ष पूर्व भी हमारे यहाँ खेती होती थी। जैसे अभी एक आपने देखा हो गिलो बेल होती है, गिलो बेल पेड़ पर जा नीचे से काट दो तो हवा से अपने वो खुराक लेती रहती है और बढ़ती रहती है, ऐसे ही इजराइल में खेती होती है। तो किसानों के बच्चों को हम उस तरह की खेती के लिए तैयार कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे इजराइल हो गए उसी तरह के खेती करेंगे। वर्तमान में अभी 3 दिन पहले ऋषिकेश में एक हमारे मंत्री हैं अच्छे पद पर रहते हुए, उन्होंने एक समाज का एक अंग है सुरेंद्र नेगी, कोई भी आदमी हम उसको बाई फेस नहीं जानते, हम अपने मुख्यमंत्री से मांग करेंगे ऐसे कार्य की निष्पक्ष जांच हो और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को अगर टिकट भी न दी जा जो समाज को गंदा करता है।